जस्टिस साहब के लिए भी सवालिया निशान है, ये चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान के लिए भी सवालिया निशान है कि पूरे मुल्क की तमाम अकलीतें आज सरापा एहतजाज हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, ये एहतजाज सिर्फ कराची में नहीं, ये एहतजाज सिर्फ लाहौर में नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम गली कूचों तक पहुंच रहा है। और ये आवाज है हमारी कि हम इस सारे कवानीन को कहीं नहीं मानते। क्या शनाख्ती कार्ड 18 साल से पहले बन सकता है? अगर जैनब का केस हो तो वहाँ उम्र का तयन होता है, लेकिन मिनोरिटी की बेटी का जब केस अदालत में आता है तो जजों को क्या हो जाता है? हम नहीं मानते, 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 हम नहीं मानते। क्या एडल्ट्री की एज बगैर नादरा सर्टिफिकेट के साथ तय की जा सकती है? क्या एडल्ट्री की एज बगैर किसी स्कूल सर्टिफिकेट के तय की जा सकती है? और फिर जब उस बच्ची की शक्ल से भी जाहिर है कि ये माइनर है, तो इस्लाम में भी माइनर की शादी के लिए वली की इजाजत जरूरी है, तो ये कैसा इंसाफ है कि जब क्रिश्चियन या मिनोरिटी की बेटी माइनर हो तो उसके लिए आप वली को भी नहीं पूछते? बल्कि जो हमने देखा कि कल परसों उन्हें उसकी वालदा को भी पहले मिलने ना दिया गया और अदालत में भी उन्हें पेश होने नहीं दिया गया। और आज हम ये बता देना चाहते हैं कि तमाम एजेंसी इस बात पर नोट कर लें कि ये बात यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये आगे बढ़ेगी। और मैं तमाम यहाँ पे मौजूद दोस्तों से कहूँगा कि आपका एहतजाज यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए, ये सोशल मीडिया पे जारी रहना चाहिए। यूनाइटेड काउंसिल है।